राधे कृष्णा, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे फ्रेंड्स। और नाम जप आप जरूर से कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है। कृष्णा जी आपको आज क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। कृष्णा जी का आपके लिए आज क्या मैसेज है, देखते हैं क्या मैसेज है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा। वाओ, देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो कृष्णा जी ने दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद रिस्ट्रिक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। तो देखिए सबसे पहले कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, जो चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, वो सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्शियसली सोचना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन यही होता है ना कि जो आप सोचेंगे वो यहाँ पे होगा। और कब होगा, जब आप उस एनर्जी में होंगे, उस फ्रीक्वेंसी में होंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपको ये यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। आपको जो आप चाहते हैं ना वो सोचना शुरू कीजिए। आप ये विजुलाइज, ये इमेजिन करना सोचिए, शुरू कीजिए कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है, ठीक है। और जब जब हो जाएगी तो आपको कितनी हैप्पीनेस फील होगी, आप किस एनर्जी में होंगे, वो हैप्पीनेस आपको फील करनी है, उस एनर्जी में आपको आना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको लाना है, ठीक है। अपनी लाइफ में मतलब यहाँ पे आपको अपने थॉट्स में लाना है सबसे पहले तो। और जब यहाँ पे आप ऐसा करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पे ये एक न्यू बिगनिंग का जो बीज है वो यहाँ पे आप उसे बो देते हैं, ठीक है। जो बीज है वो यहाँ पे आपकी लाइफ में वृक्ष बनेगा, एक ब्लिसफुल एनर्जीज का, ब्लेसिंग्स का वृक्ष बनेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं, आपके पर्सन की भी लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनकी भी एनर्जीज में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। उनके माइंडसेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस वक्त हो रहे हैं। आपको अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन जरूर होगा। और उसके बाद नॉक नॉक, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नॉक नॉक का कार्ड आना, तो न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, और ये न्यू अपॉर्चुनिटीज कृष्णा जी आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बट कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने माइंड सेट को ओपन रखिए और यहाँ पे अपने चेंज के लिए रेडी रहिए, ठीक है यहाँ पे। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कॉन्शियस माइंड में आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना होगा, कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन मतलब आपको पॉजिटिव सोचना होगा, ठीक है। अगर आप अफर्मेशन देते हैं तो वो भी दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ सके, क्योंकि यहाँ पे नॉक नॉक है, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज कृष्णा जी आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स को सेंड करेंगे, यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे, नेगेटिव थॉट सेंड करेंगे, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप यहाँ पे पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और जो आप चाहते हैं ना वो आप विजुअलाइज कीजिए। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी आ गया है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पर, नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और साथ में अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपकी फैमिली में कार्मिक पर्सन है जो आपको बार बार प्रोवोक करते हैं, ठीक है, आपको उकसाते हैं यहाँ पे, आप कुछ गलत करें, आप कुछ गलत बोलें, तो ऐसे लोगों से यहाँ पे कट ऑफ कीजिए, ऐसे लोगों से यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, जितना हो सके बंद, ठीक है, उनसे कनेक्ट ही मत होइए। आप हो जितना, अगर बहुत ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि जवाब देने की ज़रूरत है, कि आप बिल्कुल ही कोई हद पार हो गई है, तो ही जवाब दें, अननेसेसरी का उनसे उलझे नहीं। क्योंकि अगर आप उलझेंगे ना, तो यहाँ पे आप उनकी नेगेटिव एनर्जीज को आप भी ले लेंगे, आपके ऑरा को, आप ऑरा को ऐसा, उसमें क्या होता है, ऑरा में होल्स हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, और आपका ऑरा जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जीज लीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप जितना हो सके उतना कम ही लोगों से उलझें यहाँ पे, क्योंकि जितना उलझेंगे उतना आप अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब करेंगे और उतना ही नेगेटिविटी आपको प्रोवोक करेगी। आप जितना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे उतना ही नेगेटिविटी आपको इस वक्त प्रोवोक करेगी, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी है। तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। सही तो आपको कहना है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने अधिकार के लिए, आपको अपने हक के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अगर कहीं लड़ना है तो बिल्कुल लड़ना है, ठीक है। लेकिन लड़ना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही वायलेंस वे में लड़ना है, अपनी बात को बिल्कुल कहना है और बहुत ही पॉजिटिव वे में रखना है, समझाना है,
ठीक है, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में भी आपको डील करना है अगर ऐसा नीड है, लेकिन कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना, ठीक है, उसको हर्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से, अपने मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं रखनी है, मन में उसको फॉरगिव कीजिए, लेकिन यस 3D में उसको एक्शन ज़रूर दिखाना है कि आप भी एक्शन ले सकते हैं, आप में भी वो उतनी क्षमता है, ठीक है, इस तरीके का भी आपको दिखाना है। टाइम टू रिलैक्स, कृष्णा जी आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली आप करे जा रहे हैं और खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं, खुद की हेल्थ पर, खुद की ड्रीम्स पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ गिविंग एनर्जी में हैं और बहुत ही आपका शेड्यूल हो सकता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया हो, आप अपने आप को अपनी हेल्थ को समय नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं ये थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, टाइम टू रिलैक्स, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी की ना करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय भी ना लें, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट की नीड है, आपकी माइंड बॉडी सोल को इस वक्त रेस्ट की नीड है, आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि रेस्ट ही यहाँ पे आपको फिर से एक रिफ्रेशिंग एनर्जी में लेकर आएगा। तो यहाँ पे और कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। देखिए कृष्णा जी आपको खुद कह रहे हैं कि वो हर वक्त आपको देखते हैं, जब भी आप उनसे बातें करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं या मन ही मन आप कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है, जो भी आप कहते हैं मन में कहते हैं, खुद से बातें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो सभी चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे वो कहना चाहते हैं एंड यू विल बी लुक्ड आफ्टर। और ऐसा नहीं है कि जो आप सिर्फ देखते ही हैं, वो जानते हैं उन्हें क्या आपको देना है और किस वक्त देना है, किस तरीके से देना है, ठीक है, सही समय सही चीज़ें वो ही जानते हैं, तो वो आपको ज़रूर दी जाएंगी, आप तक ज़रूर पहुँचेंगी, लेकिन उस आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना, ठीक है, पॉजिटिव रहना मैं जानती हूँ बोलना आसान होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे यही यहाँ पे एनर्जी का गेम होता है, अगर आप एनर्जीज में अपनी बैलेंस कर पाते हैं, एनर्जीज में चेंज कर पाते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, मेडिटेशन के साथ, नाम जप के साथ, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में चेंज ज़रूर देखेंगे, ठीक है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, यहाँ पे ये जो फॉल्स ईगो वाली बात है, मुझे आपके पर्सन, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनका ईगो यहाँ पे डेथ हो रहा है, ईगो डेथ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और जो पर्सन यहाँ पे अभी तक आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते होंगे या अपने आप को किसी से कम नहीं समझते होंगे या आपको कुछ नहीं समझते होंगे या अपने सामने किसी को नहीं समझते होंगे, ठीक है, आपने कुछ बात कही उनसे और वो अवॉइड करते होंगे, हंसी में उड़ा देते होंगे, मजाक में उड़ा देते होंगे, इस तरीके की अगर एनर्जीज में थे, और या फिर आपको मजाक में भी नहीं लेते होंगे, आपकी बात सुनते भी होंगे सीरियसली, लेकिन सुन एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है, एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थे, लेकिन अब आपके पर्सन का जो है वो ईगो डेथ हो रहा है, उनका जो एक फॉल्स ईगो जो उन्होंने बनाया हुआ था ना, जो उन्हें लगता था कि वो सही हैं, वो जो भी सर करते हैं वो सही हैं, और वो सभी चीज़ें उनका जो एक भ्रम था वो भ्रम यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और साथ में आपको ये कहा जा रहा है कि टू टेस्ट द डिविनिटी लेट योर फॉल्स ईगो गो, आपको भी कहा जा रहा है अगर आप यहाँ पे ईगो की एनर्जी में हैं, आप यहाँ पे अहंकार की एनर्जी में हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे करने से ये हो रहा है, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे करता नहीं है, आप यहाँ पे ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ईश्वर आपको यूज कर रहे हैं अपने 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 जो पर्पस है उन्हें फुलफिल करवाने के लिए, यहाँ पे सभी सोल्स जो हैं वो ग्रो करने के लिए आई हैं, तो हर सोल यहाँ पे एक किसी ना किसी लेवल पर है, किसी ना किसी फेज में है, और हर सोल का यहाँ पे असेंशन चल रहा है, और उसी प्रोसेस में यहाँ पे हर सोल एक दूसरे को हेल्प कर रही है असेंशन में, चाहे कोई भी हो, आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेगेटिव लोगों की भी हेल्प करनी है, अगर वो भी असेंशन प्रोसेस में नहीं, उनके हेल्प नहीं करनी है, उनसे आपको कट ऑफ रखना है, बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, ठीक है, उनसे आपको डिस्टेंस बनाए रखना है, क्यों बनाए रखना है, क्योंकि आपने ऊपर अपने पॉजिटिव एनर्जीज जो क्रिएट की है, पॉजिटिव ऑरा जो आपने क्रिएट किया है, ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में आपने अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उनसे वो आपकी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, इसलिए आपको प्रोटेक्शन रखना है, बट ज़्यादा उलझना भी नहीं है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, वाओ, यहाँ पे कृष्णा जी आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी यूनियन की भी एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन का ईगो डेथ हो रहा है, ईगो डेथ होने के बाद ही उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप तक आने का मार्ग उन्हें दिखाया जा रहा है, ठीक है, अब वो यहाँ पे एक कहते हैं ना क्रेविंग, जो एक तड़प होती है कि हाँ मुझे अब अपने पर्सन के पास जाना है, मुझे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स पास के जाना है, हो सकता है अभी तक वो किसी कार्मिक पर्सन में हो, कार्मिक सिचुएशन में हो,
या कार्मिक पर्सन नहीं हो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो कोई ऐसी सिचुएशन हो, जॉब हो, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही इतने उलझे हुए हों कि उन्हें एज एंड वैन रिक्वायर्ड या फिर इस तरीके की नीड हो या फिर उस तरीके की याद आती हो, ठीक है, याद भी नहीं करते होंगे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया होगा कि आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें उनकी लाइफ में जो है एक ईगो डेथ का प्रोसेस चल रहा था, कार्मिक रिलीज होने का प्रोसेस चल रहा है उनकी लाइफ में। ये कार्मिक रिलीज कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कार्मिक पर्सन उनकी लाइफ में था, अगर थर्ड पार्टी थी, कोई फैमिली में, उनके फैमिली में कोई फ्रेंड्स रिलेटिव स्पाउस फादर मदर, ठीक है, वाइफ कोई भी हो सकता है, तो ये जो भी कार्मिक रिलीजिंग प्रोसेस उनका चल रहा था, या उनकी कार्मिक जॉब भी हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी उनकी लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा था, वो ऐसा हो सकता है, और साथ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे, फाइनेंशियल लॉस उन्हें भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही थी, और ये जो प्रोसेस चल रहा था ना वो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था उनके ईगो डेथ के लिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये यूनियन है, डिवाइन यूनियन, डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो ये कार्ड जो है अपने आप में एक डिवाइन ब्लेसिंग से फुलफिल कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से राधा माँ और कृष्णा जी एक दूसरे में खोए हुए हैं, एक दूसरे की तरफ ही उनका फोकस है, इस तरीके से अनकंडीशनल लव एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, ठीक है, वही एनर्जी यहाँ पे आपकी पर्सन की भी, आपकी तो ऑलरेडी है लेकिन अब आपकी पर्सन का फोकस भी आपकी तरफ होने वाला है, ठीक है, वो अब आपको सपोर्ट करेंगे, अब आपको जिस तरीके के सपोर्ट की नीड थी ना, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको करे अगर आपको नीड है यहाँ पे, आपके पर्सन को आपकी सिचुएशंस पता रही हैं, पास्ट में उन्होंने आपको हेल्प किए या फिर आपने उनकी हेल्प की है, अब आपके पर्सन हर तरीके से यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे, आपके स्पिरिचुअल गोल के फुलफिलमेंट में भी यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपके सोल पर्पस में, अगर आपको सोल पर्पस मिला हुआ है तो आपको यहाँ पे उसमें भी आपको यहाँ पे अब एक बहुत ही मोटिवेशनल सपोर्ट, यहाँ पे मॉरल सपोर्ट फुल मिल आपको देंगे, जिस तरीके के भी सपोर्ट आपको नीड होगी ना, वो सपोर्ट यहाँ पे आपके लाइफ में कृष्णा जी लेकर आ रहे हैं आपके पर्सन के थ्रू, ठीक है, सिर्फ पर्सन के थ्रू नहीं, यहाँ पे अगर आप जिस भी रीजन से इस रीडिंग में आए हैं, तो आपको जिस भी तरीके की सपोर्ट की, हेल्प की, नीड की ज़रूरत है, वो सपोर्ट यहाँ पे कृष्णा जी आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा अहंकार दिखा रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग उनका ईगो डेथ, उनका यहाँ पे ईगो डेथ हुआ है, ठीक है, उनका यहाँ पे अहंकार तोड़ा गया है, कृष्णा जी ने तोड़ा है ऐसा, क्योंकि कृष्णा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और कृष्णा जी आपको कभी भी वो चीज़ नहीं देंगे जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, कभी कभी होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर ने ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, ये हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना नाम जप किया, सब किया, बट वो चीज़ हमें नहीं दी कृष्णा जी ने, वो पर्सन हमें नहीं दिया, तो कृष्णा जी आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है, अगर आपको इस वक्त दे देते हैं तो हो सकता है कुछ नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं आप दोनों के बीच में, आपकी लाइफ में, तो पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस, जब आप पेशेंस रखते हो, सरेंडर रखते हो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो कृष्णा जी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स ज़रूर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड यहाँ पे रीडिंग खत्म हुई है डिवाइन ब्लेसिंग्स पर, तो यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आप ही के लिए हैं, ठीक है, आप किसी और के लिए नहीं हैं, ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ओके, देर लगती है लेकिन ईश्वर की कृपा ज़रूर होती है, ठीक है, यहाँ पे, और आपकी लाइफ में कृष्णा जी स्वयं यहाँ पर हैं, इससे बड़ी कृपा आपके ऊपर और क्या हो सकती है, कृष्णा जी स्वयं यहाँ पे आपकी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए काम कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए स्वयं यहाँ पे कृष्णा जी हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग सबसे पहले तो कोई नहीं हो सकती है, ठीक है, इसके लिए आप धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड भी कीजिए कि यहाँ पे ईश्वर स्वयं यहाँ पे आपके लिए उपस्थित हैं, कृष्णा जी स्वयं यहाँ पे आपके लिए उपस्थित हैं, जब राधा कृष्णा जी यहाँ पे आपके साथ हैं तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती है, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड की छोड़िए, आप स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत हायर लेवल पर हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिए, ओके, तो फ्रेंड्स ये थी कृष्णा जी की रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएगा, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके बहुत ही प्यारे कमेंट्स के साथ, बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे सोल पर्पस में इतनी ब्लेसिंग्स देकर के, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, मदर अर्थ को
हाई वाइब्रेशंस में लेके जाने के लिए मेरे सोल पर्पस में आप भी इनडायरेक्टली बहुत बड़ा सोल पर्पस कर रहे हैं, ओके। उसके लिए आपको जितना धन्यवाद किया जाए, उसके लिए आपको जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।